अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित न्यू गोविंदनगर के रहने वाले विल्सन एथनल ने रामगंज थाने में घर में रखी 7 लाख से अधिक की ज्वेलरी चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया है। विल्सन ने इस चोरी का आरोप अपने ही घर में काम करने वाली नौकरानी पर लगाया है। पुलिस ने विल्सन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित विल्सन ने बताया कि नवम्बर महीने में उनके घर शादी थी, इस दौरान 6 से 7 लाख की ज्वेलरी घर में रखी थी, जिसे कई स्थानों पर तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिली और उसके बाद एक सोने की चेन फिर चोरी हो गई। घर में 3 सदस्य हैं और तीनों ही इस चोरी से चकित हैं। इन तीनों सदस्यों के अलावा एक नौकरानी है जो घर में सभी जानकारियां रखती है, इसे लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं जल्द नौकरानी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके और चोरी को लेकर खुलासा हो सके। 25 नवम्बर की शादी थी, 6 नवम्बर को ज्वेलरी थी जो फादर उसको देखभाल करने के लिए निकाली थी, तो उन्होंने एकदम निकालने के बाद में जब वापस कमरे के अंदर गए तो वो ज्वेलरी नहीं मिली, और काफ़ी ढूंढने के बाद में, तफ्तीश करने के बाद में भी नहीं मिली वो। फिर कल मकान के अंदर पेंट का काम करवाया हमने, खुद ने एक एक सामान बाहर निकाला और चेक किया, फिर भी नहीं मिली। और फिर नौकरानी से पूछताछ की तो नौकरानी मना करती रही। अब वापस 17 तारीख को एक चेन खो गई, तो पूरा शक नौकरानी के ऊपर ही जा रहा है, और क्योंकि हमारे तीनों के अलावा कोई चौथा इंसान है नहीं। ये है लगभग कितने का माल गया? 6 लाख का पहले था, 6, 6.5, 7 लाख का, और 1 लाख की चेन अभी है। जी हाँ, मैंने कल रिपोर्ट करा दी, और हाँ 7 लाख समथिंग मान लो आप, या उससे ज़्यादा है, थोड़ा कम जो भी है। जी जी, नाम बता। रिपोर्ट करा दी आपने? जी हाँ, मैंने रिपोर्ट करा दी कल। कौन सी जगह? रामगंज थाने के अंदर। मामला इनके ये है कि कोई नौकरानी घर पे काम करती थी, पुराने जेवरात निकाले थे, निकाल करके उन्होंने वापस डिब्बे में रख दिए थे। जी। मगर वो उनके लड़के की शादी भी थी, शादी में मेहमानों का आना जाना भी था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नौकरानी ने चोरी की हो या उनके किसी रिश्तेदार ने ली हो। बाकी उनका शक जाहिर नौकरानी गुड़िया पे किया है, गुड़िया से भी पूछताछ की जाएगी, तफ्तीश करना शेष है। कहाँ का मामला? हाँ, अब उससे तफ्तीश करेंगे।